अगला बड़ा सवाल, क्या ललित मोदी से वरुण गांधी ने कोई डील की थी और क्या इस मामले में सोनिया गांधी का कोई कनेक्शन है? इस मामले पर आज पहली बार वरुण गांधी की तरफ से सफाई सामने आई। वरुण खुद तो मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ललित मोदी से उन्होंने कोई डील नहीं की। ललित मोदी के एक के बाद एक ट्वीट के बाद हिंदुस्तान के सियासत में बड़ा बवाल मचा है, लेकिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी से ललित मोदी की कथित मुलाकात का मामला गर्माता जा रहा है। ललित मोदी के ट्वीट के बाद वरुण गांधी ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से लंदन में एक बार मुलाकात की बात मान ली है। हालांकि वरुण ने उस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने ललित को सोनिया गांधी से मदद दिलाने का भरोसा दिया था। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ललित मोदी के सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पिछले 20 सालों से सोनिया गांधी के परिवार से उनके किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ललित मोदी के साथ किसी ज्योतिष के साथ मिलने की बात को भी खारिज करते हुए कहा है कि किसी बंदर के हाथ में बंदूक आ गई और वो चारों तरफ गोलियां चला रहा है और वो उनके स्तर तक नहीं गिर सकता। इस मुलाकात में पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह का नाम सामने आ रहा है। वरुण गांधी ने इंडिया न्यूज से कहा है कि 3 साल पहले लंदन की एक दुकान में वो जगत सिंह के साथ थे, तभी ललित मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और जगत सिंह ने ललित मोदी से उनका परिचय कराया था। तीनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत भी हुई, लेकिन वो ललित मोदी से उनकी पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात थी। अब खबर ये है कि बीजेपी वरुण गांधी मामले में खुलकर सामने आने से बच रही है। भ्रम की स्थिति पैदा हो रही कि क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का बचाव नहीं कर रही है, स्कूल के सामने नहीं आ रही है। वरुण जी ने अपना विषय अपने आप से स्पष्ट किया है और बहुत मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष रखा है, और जब उन्होंने अपना पक्ष रखा है तो उसके बाद कहीं कोई टिप्पणी करने का क्या आधार बनता है। दरअसल ललित मोदी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि कुछ साल पहले वरुण गांधी ने उनसे मुलाकात की थी और अपनी चाची सोनिया गांधी की मदद से मामले को सुलझाने का ऑफर रखा था। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि वरुण ने इसके बदले 6 करोड़ डॉलर की मांग भी की थी। और अब तो श्रीमती सोनिया की बहन जी और कांग्रेसियों की मौसी भी आ गई हैं, तो ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, श्रीमती गांधी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ललित मोदी के साथ कांग्रेस की क्या डील थी, किस डील के तहत उसको देश से भगाया गया। आप पूरी तरह से जानते हैं कि ललित मोदी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मिलकर और ध्यान बटाने के लिए इस तरह के ट्वीट उन्होंने किए हैं और मैं एक सिरे से उसको खारिज करता हूं। यह पहला मौका नहीं है जब ललित ने गांधी परिवार पर आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि पिछले साल प्रियंका वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनसे मुलाकात की। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ललित मोदी के नाम से कई बम लगातार फूटते चले आ रहे हैं। वरुण गांधी की यह बात हो रही है, इससे ठीक पहले आपको याद होगा